वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को देखते हुए आप में से बहुत सारे दोस्त इस चीज को जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में आने वाले 2 सालों में सोना कितना महंगा होने वाला है। इस बात की तस्दीक गोल्ड प्राइस प्रिडिक्शन से मिलती है। 2022 से 25 तक और 2025 से 30 तक सोना कितना महंगा होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लॉन्ग टर्म फोरकास्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो गोल्ड है वो करीबन हिट करेगा $2,000 तक, यानी कि 2024 के आखिर तक ये $2,000 को हिट करेगा और फिर ये जाएगा $2,500 तक 2028 के एंड तक। यानी कि गोल्ड में जितने भी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सोना 3,000 तक जाएगा 2030 के एंड तक और $4,000 तक ये 2033 पे जाएगा। यानी जितने लोग आज सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट अगर रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग लगाएं तो उनकी इन्वेस्टमेंट दुगनी नहीं तिगनी नहीं बल्कि चुगनी हो जाएगी। और सोने में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा जो हैं फ़ायदा लेने वाले हैं। पाकिस्तान में सोने की जो प्राइस है वो करीबन पिछले महीने से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुई है और पाकिस्तान में सोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सोने की ये प्राइस को लेकर लोग डॉलर को छोड़ के लोग शेयर्स को छोड़ के सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या सोने में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है? क्या सोने में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदा है? जितने लोग सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2024 से 28 तक गोल्ड प्रिडिक्शन के मुताबिक ऐसे तमाम लोग बहुत सारा फ़ायदा लेने वाले हैं। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।